टीकमगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको टीकमगढ़ की दिखाते हैं। टीकमगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, और रोड शो में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो भारी संख्या में आपको यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आएंगे, और रोड शो के जरिए जनता के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है। टीकमगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हैं, और भारी संख्या में आपको यहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आएगी और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको टीकमगढ़ से दिखा रहे हैं। लोकसभा सीट और यहां से बीजेपी सांसद वीरेंद्र खटीक को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए ये रोड शो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया जा रहा है। और आपको भारी संख्या में यहां पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आएंगे, हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर के लगातार आगे बढ़ते हुए ये तमाम कार्यकर्ता दिखेंगे, और बैंड बाजे के साथ कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि टीकमगढ़ में जो इनका प्रत्याशी है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, उसके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के भी आगे चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में क्या कुछ लक्ष्य सरकार का रहने वाला है और किस तरह से जो 4 महीने की अभी तक मुख्यमंत्री की ये सरकार रही है उसमें क्या कुछ काम किए गए हैं, निर्णायक जो फैसले लिए गए हैं उन तमाम फैसलों के आधार पर कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंच रहे हैं, और प्रत्याशी जो है पार्टी का उसके पक्ष में वोट की अपील करते हुए एक रोड शो एक चुनावी अभियान में लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीकमगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। एक तरफ डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जिन्हें बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, और यहां पर कांग्रेस ने युवा नेता पंकज अहिरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो एक बड़ी चुनौती यहां पर देखने को मिलेगी। और टीकमगढ़ में रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो देखिए प्रत्याशी के साथ में जनता के बीच पहुंचे हुए लोगों से हाथ हिला करके उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो टीकमगढ़ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के पक्ष में वोट की अपील करते हुए जनता के बीच पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
सीएम का ये रोड शो है और इस रोड शो में भारी संख्या में कार्यकर्ता नजर आएंगे और साथ ही जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं वोट की अपील करते हुए और लगातार रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और इससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना भी था जहां पर वो दमोह पहुंचे हुए थे और लगातार जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आपको हमने टीकमगढ़ से भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार रोड शो के जरिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 6 सीटों के लिए लगातार मतदान जो है वो जारी है। और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर सीट को लेकर के भी लगातार आज मतदान चल रहा है। और ये तस्वीरें एक बार फिर से रोड शो की टीकमगढ़ से जहां पर मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं फूल बरसाए जा रहे हैं, माला पहना करके मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री का वीरेंद्र खटीक बीजेपी के प्रत्याशी और उन्हीं के पक्ष में ये रोड शो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की टीकमगढ़ लोकसभा सीट बेहद अहम और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सटी हुई ये सीट और बेहद महत्वपूर्ण ये सीट और आज इसी सीट को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से ये रोड शो किया जा रहा है। और आपको बता दें कि वीरेंद्र खटीक जो कि पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट के लिए कहीं ना कहीं जनता के बीच आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और रोड शो के जरिए एक अपील करने की कोशिश है। टीकमगढ़ लोकसभा की बात करते हैं तो 8 विधानसभाओं से मिलकर के टीकमगढ़ लोकसभा सीट बनी हुई है और इसमें टीकमगढ़ जतारा खरगापुर निवारी जिले की पृथ्वीपुर और आपको यह भी बता दें कि छतरपुर जिले की महाराजपुर बीजावर और छतरपुर शामिल है। और इन सभी 8 विधानसभाओं की अगर हम बात करते हैं तो 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और 5 पर बीजेपी का। लेकिन आज ये रोड शो टीकमगढ़ में करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और इस रोड शो के जरिए जनता के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है। और ये संदेश इस ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है कि पार्टी का जो प्रत्याशी है जिस पर भरोसा जताया गया है पार्टी की तरफ से वीरेंद्र खटीक उसको कहीं ना कहीं एक भारी संख्या में वोट दिए जाएं इस बात की अपील इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जनता के बीच आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए और जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो भी लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।